बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। इसी अच्छी उम्मीद के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं वो काफ़ी रिसर्चेबल है और काफ़ी लोग इसको सर्च करते हैं और इसके ऊपर वीडियोज़ ढूँढ रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसी अच्छी वीडियो मिल जाए जो हमारे लिए फ़ायदा मंद हो। हम बात कर रहे हैं आज ब्लैक हेड और वाइट हेड्स की। जो हमारी स्किन पर अगर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हों तो बहुत ही स्किन डल और बुरी लग रही होती है और वो आपको नोज़ पर बहुत ही गंदे लग रहे होते हैं। ख़ास तौर पे जब हमारे ब्लैक हेड्स भरते हैं तो वो ज़्यादातर नोज़ पर होते हैं या नोज़ एरिया पर होते हैं या हमारी लिप के नीचे वाला जो एरिया होता है हमारी चिन पर होते हैं। तो इस तरह से ये इस तरह के एरियाज़ हैं तो इन पर वाइट हेड्स हमारे होते हैं। एरिया आपको थोड़ा सा ब्लैक नज़र आ रहा होता है तो सबसे बड़ी बात, आप अपने अगर स्किन का ख्याल रखते हैं और आप ब्लैक हेड्स को इग्नोर करते हैं तो आपकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। आपने अपनी स्किन को डल नहीं दिखाना, आपने अपनी स्किन को ब्राइट करके दिखाना है और बहुत ही अच्छा दिखाना है। तो हमें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का खात्मा करना होता है तो हमें होम रेमेडीज़ अच्छी जो मिल जाएँ तो हम उनको ट्राई कर लें तो इससे अच्छी और क्या बात हो। घर बैठे ही इसका सोलूशन मिल जाता है। तो हमने सबसे पहले लेमन लिया है। लेमन आप जानते ही हैं कि हमारी स्किन के लिए विटामिन सी और कितना ज़बरदस्त है इसका फ़ायदा। हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं तो लेमन उसको बिल्कुल रिमूव कर देता है। ख़ास तौर पर लेमन और जब हम उसके साथ राइस फ्लोर मिलाते हैं तो वो हमारी स्किन में एक शाइन लेकर आता है। और शुगर जब हम ऐड करते हैं किसी भी स्क्रब में तो शुगर एज अ स्क्रब हमें यूज़ करना है क्योंकि शुगर एज अ स्क्रब जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा आप राइस फ्लोर और शुगर इन दोनों में से आप एक का इंतखाब भी कर सकते हैं। आपने अच्छा रिज़ल्ट लेना है तो इसके दोनों के ही फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं तो आप इन दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। लेमन में आपने ये दोनों चीज़ें लेमन ही हमें यूज़ करना है तो हमें हैंड से इन सबको नहीं मिक्स करना चाहते तो हम इसका लेमन जूस लेकर और उसमें राइस फ्लोर और शुगर ऐड कर सकते थे। और ये फोर्थ नंबर पे कॉफ़ी है। कॉफ़ी आपकी स्किन को वाइट करती है, ग्लोइंग करती है, आपकी स्किन में शाइन लेकर आती है। तो कॉफ़ी हमने इसलिए यूज़ की है ताकि आपको कोई इस तरह के इंग्रेडिएंट इसमें मौजूद नहीं है जो आपको साइड इफ़ेक्ट दें। आपकी स्किन के लिए ये सारे बेनिफिशियल हैं तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेमन में हमने ज़रा सा सबसे पहले हमने राइस ऐड किया है। राइस फ्लोर ऐड करने के बाद हमने शुगर ले ली। शुगर आपने थोड़ी सी मोटी मोटी ही रखनी है। चाहें तो आप इसको हवन दस्ते में हल्का सा क्रश कर सकते हैं। क्रश करके आपकी स्किन अगर ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसको क्रश कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह हमने राइस फ्लोर लिया है वो बिल्कुल आटे की तरह ही हो जाता है। और अगर आपने शुगर ऐड करनी है, शुगर वैसे तो जल्दी मेल्ट हो जाती है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपने शुगर को क्रश कर लें या ग्राइंड कर लें या फिर आप इसको हवन दस्ते में भी क्रश कर सकते हैं। और नंबर फोर्थ पे जो आती है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपकी स्किन को वाइट करती है और कोई सी भी कॉफ़ी आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं दिखा रही हूँ आपने वही कॉफ़ी लेनी है। आप कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी या 2-in-1, 3-in-1, जिस तरह आजकल मार्केट्स में बहुत सारी कॉफ़ीज़ अवेलेबल हैं तो आप इनमें से कोई भी बाय कर सकते हैं, कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद की। और उसके बाद आपने इन सब का मिक्सचर अपने हैंड्स पर, मैं इसको ट्राई करके दिखाती हूँ कि आपने अपनी नोज़ पर और चीक एरिया और चिन जहाँ जहाँ आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो वहाँ आपने बआसानी इसको लगाना है। और बहुत ही आसान मेथड है, आप इसको लेमन के साथ ही इसको आपने ऐसे रब करना है ताकि हमें इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल हों और हमारे जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं वो बिल्कुल बआसानी रिमूव हो सकें। देखें, आप जिस तरह देख भी रहे हैं कि इस तरह से लिक्विडी वो है फॉर्म में हो जाएगा और आपको बआसानी से ये जो इसके पार्टिकल्स हैं ये आपकी नोज़ पर से आराम से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का खात्मा कर पाएंगे। तो आपने तकरीबन वीक में 3 times या 4 times ये रेमेडी लाजमी यूज़ करनी है और इसका फ़ायदा आपको बहुत होगा इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप
इसे ट्राई करने से डर रहे हों, या सारी होममेड चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं, बस आपने ट्राई करना है इसे और अपनी नोज़ को बहुत ही ज़बरदस्त और शाइनी बनाना है, और अपने चिक और चिन जहाँ जहाँ आपको फ़ील होता है कि आपके ब्लैक हेड्स हैं तो आपने वहाँ इसे यूज़ करना है। चाहें तो आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, चाहे आप कॉफ़ी ज़्यादा अगर अच्छी लगती है आप कॉफ़ी का यूज़ ज़्यादा कर लें, लेकिन हमें इन दोनों में से राइस फ्लोर या शुगर मिल्स ये ऑप्शनल है, आप इन दोनों में से कोई चीज़ भी ले सकते हैं या दोनों भी ट्राई कर सकते हैं, तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। ब्लैक हेड्स की बड़ी वजह ये होती है कि जब हमारी स्किन में डस्ट जाती है तो वो अपना पोर्स जो होते हैं हमारे वो उसके ऊपर अपने छोटे छोटे से एरियाज में वो डस्ट जब बैठ जाती है तो डस्ट को पड़े पड़े हमारी स्किन के ऊपर जब काफ़ी टाइम हो जाता है तो वो एक ब्लैक डॉट की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और जब उसमें बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं तो वो पिम्पल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो फिर आपके पिम्पल्स निकलने लगते हैं फेस पर और उसका कोई सोल्यूशन भी हमें नज़र नहीं आ रहा होता, हम सोचते ही रहते हैं, तो वो हमारी स्किन की सफाई ना करना है। जब हम अपनी स्किन को चाहे वो हैंड्स हो या फिर हमारी फेस की स्किन हो, हमें दोनों का ही बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, लेकिन वगैरह नहीं कर रहे होते, स्क्रब नहीं कर रहे होते, तो जब हमारी स्किन में वो बैक्टीरिया घर बना लेते हैं तो फिर वो आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनने का सबब बनते हैं, और जो बहुत ही मुश्किल होता है उन्हें रिमूव करना। तो आप ये रेमेडीज़ वगैरह यूज़ करके इन बैक्टीरिया से निजात पा सकते हैं और अपनी स्किन को हसीन शाइनी और ग्लोइंग बना सकते हैं। ब्लैक हेड्स जो होते हैं वो लेमन इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि लेमन जो है इसके अंदर विटामिन सी होता है और सबसे ज़्यादा हमारे इफ़ेक्टिव होता है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स ख़त्म करने में वो लेमन ही होता है। लेमन तो आपकी ब्लैक हेड्स वगैरह को रिमूव करे तो आपने लेमन तो लाजमी ही लेना है, और उसके बाद आपने इन तीनों इंग्रेडिएंट को अपने नोज़ पर और चिन पर ब्लैक हेड्स वगैरह होंगे आपने उनको अच्छी तरीके से रिमूव करना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क होगा। और हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और बहुत सारी इस तरह की वीडियोस जैसे आपको ऊपर नज़र आ रही हैं तो हमारी इस तरह की और भी आप वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको अच्छी अच्छी रेमेडीज़ के बारे में बताया जाता है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें कि आपको और अच्छी रेमेडी। ब्लैक हेड्स के पील ऑफ मास्क वगैरह भी आ गए हैं मार्केट में, अगर आप चाहें तो वो भी बाय कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और उनका रिज़ल्ट जो है वो थोड़े टाइम के लिए ही होता है और आपके ब्लैक हेड्स दोबारा बनने लगते हैं, आपको इसका बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। और अपनी वीडियो में हम आपको इस तरह की और भी बहुत अच्छी अच्छी सी रेमेडीज़ बताते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।